इस गणेश चतुर्थी पर बनाए गणपति बप्पा के फेवरेट बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी आटा मोदक, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1/4 कप घी डालकर फ्लेम ऑन कर देंगे। घी मेल्ट होने के बाद उसमें आटा डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे। अब 2 टेबल स्पून सूजी डाल देंगे, इससे मोदक थोड़े दानेदार बनेंगे। ये बारीक वाली सूजी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे आटे का कलर चेंज हो जाएगा लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 7 से 8 मिनट बाद इसका कलर चेंज हो गया है और अरोमा भी अच्छी आ रही है। अब इसमें बादाम कतरन और काजू कतरन डालकर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बाजार का डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं और फ्लेम लो कर लेंगे। और अब इसमें ये मैंने 500 ml दूध लिया था और इसको जलाकर आधा कर लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। आपके पास अगर ताजी मलाई है तो आप आधी कटोरी वो भी डाल सकते हैं और लो मीडियम फ्लेम पर आटे को दूध या मलाई के साथ पका लेंगे। जब कढ़ाई में घी अलग से दिखाई देने लग जाए तो इसका मतलब है कि आटा पक गया है, तब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। मिक्सर को हम मिक्स करते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है इसलिए मिक्सर जल सकता है। अब इसको एक बाउल में डालकर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसमें कटी हुई किशमिश, दरदरी कुटी हुई इलायची पाउडर और 1 कटोरी शुगर पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। आप मीठा अपने हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन मुझे ये मिक्सर थोड़ा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए दूध मिक्स करने के बाद मिक्सर कुछ इस तरीके का रेडी हो गया है। अब हम मोदक वाला मोल्ड लेकर उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। इसको एक ही बार ग्रीस करने की जरूरत है, बार बार ग्रीस नहीं करेंगे। फिर इसको बंद कर लेंगे और इसके अंदर पिस्ता के कतरन कुछ इस तरह डाल देंगे जिससे ये मोदक पर चिपक जाएंगे और अच्छे दिखेंगे। अब हम मिक्सर को लेंगे और दबाकर इस तरीके से लंबा कर लेंगे। अब इसे इस मोल्ड में फिल कर देंगे। मिक्सर अच्छे से भरेंगे दबा दबा कर, एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देंगे और मोल्ड को अच्छे से दबाएंगे। फिर इसको खोल देंगे और देखिए गणपति बप्पा के लिए उनका फेवरेट मोदक बनकर रेडी है। ऐसे ही सारे मोदक रेडी कर लेंगे और अब हम इसको बप्पा के भोग लगाने के लिए रख देंगे।